हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हमारे साथ किया की कैरेंस है। और जैसे कि हम जानते हैं, किया की जो कैरेंस है 6 सीटर 7 सीटर दोनों कॉन्फ़िगरेशन में आती है, फैमिली कार है। और इसमें एक जो बुरी बात है, XL6 में मिलते हैं आपको, इसकी कंप्यूटर जो XL6 है उसमें आपको मिल जाते हैं UV कट ग्लासेस, लेकिन इसमें आपको नहीं मिलते हैं। और वही कराने के लिए कस्टमर आए थे। इसमें नैनो सेरामिक टेंट लगा है और टेंट की क्वालिटी, अभी अगर मैं आपको ये शीशा खोल के दिखाऊं, आप देख सकते हो काफ़ी हद तक 70% वाला जो लीगल टेंट होता है वो है ये। आराम से आप अंदर भी देख सकते हो, जैसे मैं इसे बंद करूंगा आप आराम से अंदर देख सकते हो, यू कैन सी व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द कार। यहाँ पे सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहूँगा, ये जो रूल बनाया सरकार ने वो इस वजह से बनाया कि गाड़ी के अंदर क्या है वो बाहर से भी नज़र आए। नॉर्मली भी अगर कोई गाड़ी को देखता है रोड पे, उसको भी अगर कुछ अंदर गलत नज़र आता है तो वो रिपोर्ट कर सके, गाड़ी के अंदर विजिबिलिटी मेंटेन रहे। और अभी हम मिलते हैं डिटेलिंग माफिया के ओनर से। हाय। सो आपने जो ये लगाया है, अब टिंटिंग को लेके बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं हमारे कमेंट्स में कि सर ये टिंटिंग लीगल है कि नहीं, क्या टिंटिंग का चलान कटता है, तो ये जो टिंट है इसके बारे में थोड़ा बताइए और चलान होगा इस पे कि नहीं होगा, थोड़ा आप डिटेल में बताइए कि कैसे ये काम करता है। देखिए बेसिकली ये चीज़ है कि टिंट्स जो है 70% आपके लीगल होते हैं, 70% अगर उनकी विजिबिलिटी है इनसाइड तो आपके टिंट्स लीगल है। दूसरी चीज़ ये है कि 70% आपका लीगल है, और उसके साथ अगर इन केस अगर आपका कभी चालान कट भी जाता है, कोई पुलिस वाला नहीं मानता है, चालान काट देता है, तो उसके लिए आप हमारे यहाँ जो ये टिंट्स हैं इंस्टॉल्ड है, हम इसका प्रॉपर आपको बिल देते हैं 70% टिंट्स के, तो आप उस बिल को प्रेजेंट करके आप चालान को कैंसिल करा सकते हैं। यू कैन चैलेंज इट इन कोर्ट। यस, वी कैन चैलेंज। और वो चैलेंज एक्सेप्ट होता है, वो रिजेक्ट नहीं होता है, क्योंकि आप पेपर ऑन पेपर ये चीज क्लियर है, गवर्नमेंट का रूल है कि 70% लीगल टिंट चाहिए। ठीक है, तो ये 70% लीगल टिंट्स है, 70% विजिबिलिटी होनी चाहिए, 30% लाइट ब्लॉक कर, लाइट को ब्लॉक करने के लिए होता है। प्लस इस ये नैनो सिरेमिक टिंट्स है, तो इसकी बेनिफिट्स आपको ये आते हैं कि पहली चीज हल्का सा ग्रीनिश टोन पे है, ठीक है, जस्ट लाइक आप अगर एक नॉर्मल 300 रुपए के भी चश्मे आते हैं आप लोकल मार्केट से परचेस करते हो, वो भी ग्रीनिश होता है, लेकिन एक रेबैन आता है जो कि लगभग 6,000-7,000 रुपए से उसकी स्टार्टिंग प्राइस है, तो उनकी क्वालिटी एक अलग है। ग्रीन तो दोनों ग्लासेस है, दोनों चश्मे ही है, लेकिन आपको बेनिफिट 6,000 वाले में जो मिलेगा वो 300 में नहीं मिलेगा। करेक्ट, उसी हिसाब से ये आप देखोगे तो ये जो आपका नैनो सिरेमिक टिंट है ये लगभग एक्सयूवी साइज में अगर हम करते हैं तो 17,000 रुपए कॉस्ट करता है। तो इस गाड़ी में जैसे हमने अभी कैरेंस में देखा, इसका क्या कॉस्ट आएगा अगर कोई करवाना चाह रहा है? 17,000 रुपए का सिर्फ टिंट है। आप आफ्टर मार्केट अगर जाते हो तो आफ्टर मार्केट में आपके 2,000-2,500 रुपए में टिंट्स लग जाते हैं। राइट, लेकिन उसकी आपके पास ना कोई लीगल प्रूफ होता है, और प्लस वो जो 70% कहते भी है वो 50% से कम ही होता है, तो एक्चुअल इतनी विजिबिलिटी नहीं होती है। इसको देख कर ही पहले पुलिस वाले रोकेंगे ही नहीं, उन्हें ऐसा लगेगा कि ये फैक्ट्री से लग के आया है, क्योंकि आजकल भाई अब जैसे इसी की कॉम्पिटिटर है XL6, उसमें मिल रहा है यूवी कट फैक्ट्री से, तो पुलिस वालों को भी जरूरी नहीं है इतना नॉलेज हो कि किसमें आ रहा है किसमें नहीं आ रहा है, वो विजिबिलिटी देख के एक ग्लांस में जज करेंगे, और ग्लांस देख के उनको समझ में आएगा कि नहीं दिख रहा है, ड्राइवर की शक्ल दिख रही है, सब कुछ अंदर दिख रहा है, तो इसमें कुछ इलीगल नहीं चल रहा है। इस टिंट्स में एक बेनिफिट ये है कि आप इसे फ्रंट ग्लास पे भी लगा सकते हैं, देने से ये बेनिफिट रहता है कि जब आप हार्श कंडीशन पे हाईवे पे आप ड्राइव करते हो गर्मी के दिन में, तो ये यूवी रिजेक्ट करता है, प्लस हीटिंग को अंदर आने से रोकता है, तो एसी की कूलिंग बढ़ जाती है, केबिन टेम्परेचर कूल रहता है, कम्फर्ट बढ़ जाता है लॉन्ग ड्राइव पे। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखा दूं, देखो यहाँ पे लीगैलिटी के लिए तो आपने ये कर लिया यहाँ से, बट अगर प्राइवेसी है, अब जैसे कैरेंस है, कैरेंस एक महंगी गाड़ी है, इसमें आपको ये कर्टेंस मिल जाते हैं। अब मैं यहाँ पे ये कर्टेंस अगर इंस्टॉल कर देता हूँ, यहाँ पे कर्टेंस अगर मैं लगा देता हूँ, आप देख सकते हो प्राइवेसी भी आपकी पूरी मेंटेन हो रही है, लिटरली मिरर फिनिश आ रहा है, आप मुझे देख सकते हो, अंदर कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। और ये जो कॉम्बो है कर्टेन प्लस टेंट 100% लीगल है, और इसीलिए भाई देखो पैसे आप जरूर खर्च कर रहे हो, यहाँ पे आपके 17,000 लग रहे हैं, बट वो आपको चालान से बचाएंगे। और अगर आप एक कंफर्टेबल गाड़ी चाह रहे हो, लॉन्ग ड्राइव पे टेंट बहुत काम करेंगे, और उस केस में चालान से बचना है, खास करके चालान अगर इसके बड़े महंगे महंगे होते हैं, कितने का चालान होता है टेंट का?
थिंक गाड़ी सीज की भी गाड़ी सीज भी हो सकती है, गाड़ी सीज भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि वो आपको सिर्फ चालान करके छोड़ा है या गाड़ी सीज कर देता है। अगर गाड़ी सीज अगर हो गई तो भाई देखो 17,000 से तो ज्यादा ही खर्चा आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये टिंटिंग का जो एक डाउट है आपके मन में, सबसे पहले ये बताना चाहूंगा 30% आपका बस टिंट होना चाहिए, 70% विजिबिलिटी होनी चाहिए, सबसे पहले क्राइटेरिया आपको वो मीट करना है। और रेप्यूटेड ब्रांड से लगवाने का फायदा, जैसे डिटेलिंग माफिया है, आप देख सकते हो ये डिटेलिंग माफिया में हम हैं अभी, डिटेलिंग माफिया जैसे या कोई भी जो अच्छे एक रेप्यूटेड ब्रांड होते हैं आपके शहर में जो नज़दीक है आपके पास है, वहाँ से लगवाने का फायदा ये है कि ये आपको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन देते हैं, जैसा इन्होंने बताया, हो सकता है पुलिस वाले को नहीं मालूम हो, पुलिस वाला रिजेक्ट कर दे, लेकिन वो आप डिस्प्यूट कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो, वो चैलेंज एक्सेप्ट होगा क्योंकि सरकार के नियमों के अनुसार हम चल रहे हैं। आप उसे चैलेंज भी कर सकते हो, प्लस आपके पास बिलिंग भी होगी तो आप बिल से प्रूव भी कर सकते हो कि हाँ ये 70% लीगल। करेक्ट, तो चैलेंज करते टाइम आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ चैलेंज कर रहे हो, आप प्रूफ के साथ चैलेंज कर रहे हो, तो जीतने के चांसेस आपके 99% समझ लो। और बाकी मैं डिटेल अगर उसे वो चेक भी करते हैं तो इसका एग्जैक्ट जो आपका ब्लॉकिंग आएगा वो अराउंड 28.3 के अराउंड है, 28.3 के अराउंड है, तो ये मतलब वो 30% तक अलाउड है इसका ब्लॉकिंग, अगर वो चेक करते हैं, उनके पास चेक करने का सिस्टम होता है, चेक करने का सिस्टम होता है। अच्छा, एट द टाइम अगर आप डिस्प्यूट में आ गया कोई चीज तो हर चीज की चेकिंग होती है, वरना आप कैसे बताओगे कि ये 30% ब्लॉकर है कि 100% है। करेक्ट, तो वो चेक करने के यूवी लाइट से चेक करते हैं, अलग अलग उनके पास इक्विपमेंट्स होते हैं, उससे आप चेक कर सकते हैं कि कितनी विजिबिलिटी अंदर मिल रही है। 28.3% आता है, तो सेफ रखने के लिए 1.5% का मार्जिन ही, बफर भी एक छोड़ा गया है कि ऐसा नहीं कि फ्यूचर कभी अगर इस पे डलनेस भी आएगी तो उससे ज्यादा नहीं आएगी, डलनेस आएगी तो भी वो 0.5% ऊपर भागेगा, ऐसा नहीं होगा कि 30 का भी क्रॉस नहीं करेगा। और दूसरी चीज बेनिफिट ये होता है कि आप अगर जो प्रोफेशनल सिरेमिक टिंट्स यूज करते हैं तो इनकेस कभी आप इसे रिमूव भी करना चाहते हैं तो आपके ग्लास पे ग्लू के रेसिड्यू नहीं आते हैं, ग्लास डैमेज नहीं होता, बिना रेसिड्यू के काफी क्लीनली रिमूव हो जाता है। और अगर आप अनप्रोफेशनल नॉन ब्रांडेड यूज करते हैं टिंट्स तो वो जरूर आपके काम तो कर देते हैं, ब्लॉकिंग कर देते हैं, 50% से ज्यादा उनकी विजिबिलिटी रहती है, बस 50% विजिबिलिटी रहती है, तो वो चीज होता है, प्लस उसे जब आप उतारते हो तो आपके प्रॉपर इस पे ग्लू बेस आता है। और प्लस अगर 50% विजिबिलिटी रहती है, ये भी मैं बोलना चाहूंगा, देखो आजकल रील्स का जमाना है, ट्रेंडिंग वीडियोस आप भी देखते होंगे, पुलिस वाले सामने में नोच देते हैं, ऑप्शन देते हैं सामने सामने हटाने का, तो हड़बड़ी में हटाने में और ज्यादा डैमेज होता है, ऐसे तो भाई ये तो हटाने की जरूरत नहीं है, कभी हटाना पड़ा तो इत्मीनान से वर्कशॉप में लाके हटा लिए, वो तो सामने सामने पुलिस वाले ऐसे उखाड़ देते हैं तो बस डैमेज का भी काफी ज्यादा चांस रहता है। इसको लगाने से एक फायदा और भी है, ये आपको प्रोटेक्शन भी देता है इन केस कभी एक्सीडेंट के केस में ये ग्लास प्रूफ होता है तो ये आपका ऑलरेडी प्रोटेक्शन वाला ग्लास नहीं है, ये महीन दाने में बदल जाते हैं। करेक्ट, तो ये चीज भी आपको जो इसका प्रोटेक्शन लेयर हमने ये अंदर लगाया हुआ है टिंट्स, ये इतने स्ट्रांग है कि आपको डायरेक्ट छर्रे को अंदर जाने से बचा लेंगे। हाँ, वो इंस्टेंट आपके ऊपर नहीं गिरेगा, काफी हद तक उसको विथहोल्ड अपने में कंटेन करेगा। सो थैंक यू सो मच, और इनका मैं डिटेल्स डाल दे रहा हूँ, अगर आप वाराणसी एरिया में हो और अगर आपको ऐसे टिंटिंग का काम करवाना है जो 100% लीगल हो विथ प्रूफ, आप इन्हें डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, किसी और शहर में हो तो भी इनकी फ्रेंचाइज हर जगह है, ऑल ओवर इंडिया है डिटेलिंग माफिया, कहीं और से भी कराना चाहते हो आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। नैनो सेरामिक टेंट्स का जो फायदा है वो आपको समझाना था, टेंट्स कितने लीगल होते हैं, किस सिनेरियो में लीगल होते हैं, ये सारी चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है, अपनी महंगी महंगी गाड़ियों में लगवाने से पहले एक बार डेफिनेटली जिसको इस वीडियो को वॉच करो समझो, क्योंकि देखो जेड ब्लैक थार वगैरह में मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग चाहते हैं जेड ब्लैक लगवा लेना, और दिखने में वो अच्छा लगता है लेकिन उससे आपकी विजिबिलिटी बहुत ऑब्स्ट्रक्ट होती है, सिर्फ साइड में भी लगवाओगे ना ये मिरर की आपकी विजिबिलिटी ऑब्स्ट्रक्ट होगी, सामने की विजिबिलिटी ऑब्स्ट्रक्ट होगी, कभी अंधेरे रास्ते पे हो सकता है आपको कुछ अच्छे से नजर नहीं आए, तो सरकार ने नियम कुछ सोच समझ के बनाए हैं, उन नियमों को फॉलो करना चाहिए। और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो, टिंट कराने का प्लान कर रहे हो तो काफी ज्यादा आपको क्लैरिटी मिली हो, थैंक यू भाई।